फटाफट से नोट कीजिए अपने नोटबुक में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां यूज होता है, ठीक है, जहां पर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी हिंदी सेंटेंस की पहचान क्या है, अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड आ रहे हैं, चुका है, चुके हैं और चुकी है, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, किसी को आपने, आपको किसी ने कहा कि आओ खाना खाते हैं, तो आप क्या कहते हो, बस मैंने खाना खा लिया है ना, तो लिया है इस तरीके का वर्ड आए, ठीक है, लिया है, दो वर्ड लिख लीजिए मोटा मोटा, है ना, चुका है या लिया है, इस तरीके का वर्ड अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, क्या चुका है या लिया है, ठीक है, इसकी एक हिंदी की एक आइडल जो है पहचान होती है, किसी लास्ट सेंटेंस के लास्ट में अगर लिखा हुआ आए चुका है या लिया है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अभी अभी रिसेंटली कोई काम जो है आपने फिनिश किया है, कोई ऐसा काम जो रिसेंटली अभी जस्ट फिनिश हुआ है, आप कह रहे हैं जस्ट अभी खाना लिया है या अब मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, क्लियर, मैंने अभी खाना लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान लिखिए, कोई ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ऐसे वर्ड्स आते हैं कि खाना खा चुका हूं, खाना खा लिया है, ठीक है, मैं होमवर्क कर चुका हूं या मैंने होमवर्क कर लिया है, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपकी मम्मी आपसे कह रही है कि बेटा होमवर्क कर लो, तो आप क्या कहते हो, मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया है, ठीक है, कर लिया है, ओके, तो दो वर्ड ध्यान रखिएगा जो सबसे ज्यादा हिंदी कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं, वो वर्ड होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको, यहां तक क्लियर हुआ तो फटाफट जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, यस सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, कोई काम आप कर चुके हैं या आपने कर लिया है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, बिल्कुल अभी जो आपने कॉपी ओपन कर रखी है, कि कोई ऐसा सेंटेंस आए, ठीक है, एक दो सेंटेंस लिख के बताइए हिंदी में, हिंदी के सेंटेंस लिख के बताइए, कैसा सेंटेंस आएगा हिंदी में टाइप करके बताइए मुझे, हिंदी मतलब जो अपन इंग्लिश में लिखते हैं वैसा ही है ना, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, ठीक है, लेकिन कैसा सेंटेंस आएगा, एग्जाम्पल बताइए, मैंने खाना खा लिया है, मैंने होमवर्क कर लिया है, मैं मूवी देख चुका हूँ, वेरी गुड, अरे क्या बात है, मैं खाना खा चुकी हूँ, बढ़िया, देखो हिंदी में लिखी हुई आ रही है, ठीक है, आई हैव, ठीक है, तो वेरी गुड, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, बहुत इजीली आपको एक ही बार में इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा, एंड द स्ट्रक्चर इज, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अगर प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, हैज हैव, क्या लगेगा, हैज या हैव, प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट लगता है, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है, स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, हैज और हैव लगेगा, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, हैज हैव लगेगा, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, ये ध्यान रखिएगा, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, हैज किसके साथ आएगा, ही शी इट, यानी अगर हम बात करें सिंगुलर के साथ हैज आएगा और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, नोट कीजिए, हैज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा, ठीक है, बहुवचन के साथ हैव आएगा और एक वचन के साथ सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, यहां तक क्लियर हुआ आपको, ओके, तो थर्ड फॉर्म लगानी है यहां पर आपको, क्या कौन सी फॉर्म लगानी है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या था, कोई काम एकदम परफेक्टली आप कर चुके हो, ठीक है, परफेक्ट क्या होता है, जो आप कर चुके हो वो परफेक्ट है इस दुनिया में, जो हमने कर लिया वो परफेक्ट है, बस ऐसे समझो, ठीक है, हमने पिटाई खा ली, परफेक्ट है, क्योंकि हम डिजर्व करते थे इसलिए हम पिटे होंगे, ठीक है, हमें अप्रिशिएशन मिला, हम डिजर्व करते थे, हम परफेक्ट थे, हम जिस काम के लिए परफेक्ट होते हैं वो हमें मिलता है,
तो परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि ऐसा काम जो हो चुका है, ठीक है, अब उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता, आपने वो काम कर दिया है, ठीक है, तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और परफेक्ट टेंस के हिंदी के सिंबल मैंने आपको बताया, हिंदी के सिंबल्स क्या होते हैं, चुका है या लिया है, ठीक है, ये दो तरीके के जो है लास्ट में इसमें आपको सिंबल देखने को मिलेंगे, कोई काम हम कर चुके हैं या कोई काम हमने कर लिया है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि मैंने होमवर्क कर लिया है, मैंने होमवर्क कर लिया है, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, मैंने होमवर्क को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, होमवर्क कर लिया है, कैसे बनेगा, मैंने को क्या लिखेंगे अपन, आई, अब हैज आएगा या हैव आएगा, आई क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा बताइए, आई के साथ क्या आएगा, वेरी गुड, हैव आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, है ना, क्योंकि आई वी यू दे ये सब क्या होते हैं, प्लूरल, प्लूरल्स कौन से होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्लूरल में आई वी यू दे या मोर देन वन, तो आई और यू हमेशा प्लूरल में काउंट होते हैं, क्लियर हुआ, आई और यू, तो क्या बनाया आपने, आई हैव डन माई होमवर्क, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई हैव कंप्लीट नहीं बेटा अश्विन गोदारा, कंप्लीट नहीं, आई हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड या डन, ठीक है, क्या लगाएंगे, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म लगाइए, ठीक है, देखिए अपन ने स्पेशली यहाँ पे लिखा है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ओके, वेरी गुड, है ना, दोबारा बनाओ, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव रिटन, ठीक है, क्योंकि होमवर्क लिखते हैं ना, तो इसमें राइट की थर्ड फॉर्म भी आप लगा सकते हो, बनाइए, कोई बच्चा राइट की थर्ड फॉर्म के साथ बनाइए, आई हैव रिटन माई होमवर्क, ठीक है, सो आई हैव रिटन माई होमवर्क, वेरी गुड, आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव फिनिश्ड, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को बताने के या कहने के, वेरी गुड, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, हैज कहाँ लगेगा, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब एक वचन मतलब ही शी इट और कोई भी नेम, ही शी इट या कोई नेम, ये सारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है, आई वी यू दे, ठीक है, ये बहुत सारे जिसमें आई वी हो या मोर देन वन, ठीक है, आई वी यू दे और मोर देन वन, मोर देन वन, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे प्लूरल में काउंट होते हैं, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आप किसी को एक सेंटेंस बोल, आप किसी को ये कह रहे हैं, किसी ने आपको आकर के और घर पे बोला कि चलो यार खेलने चलते हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो कि मैं खेल चुका हूँ, है ना भाई, अभी अभी मैं खेल के आए हो, तो भाई मैं खेल चुका हूँ, ठीक है, तो है ना कैसे लिखेंगे, मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं या मैंने खेल लिया है, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं खेल चुका हूं, फटाफट से, फटाफट से, आई हैव प्लेड, वेरी गुड, आई हैव, हाँ आई हैव ऑलरेडी प्लेड, वेरी गुड चलेगा, मैं ऑलरेडी खेल चुका हूं, ऑलरेडी वगैरह आपको अगर लगाना है यू कैन यूज, I have played very good, wonderful, wonderful, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे efforts. So आप क्या कह रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, present perfect tense की, perfect का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो अभी अभी आपने complete किया, एकदम perfect आपकी नजर में वो perfect है, ठीक है, इसी तरह से समझिएगा, इसमें structure क्या कहता है, इसमें rule कहता है subject के साथ has आएगा, have आएगा, verb की third form आएगी और object आएगा, that's it, ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूं यानी मैंने अभी भी क्रिकेट खेल लिया है ना, चलिए एक सेंटेंस बनाइए,
मैंने उसे बता दिया है, मैंने उसे बता दिया है, ठीक है। चलिए आप लोग बनाइए, मैंने उसे बता दिया है। देखो याई बता दिया है, ठीक है। ये जिसने बनाया है त्यागी, यस आई टोल्ड हिम, है ना, आई टोल्ड हिम, मतलब इसका मतलब है कि मैंने उसे, ये वो हो गया, ठीक है। इसको अगर परफेक्ट में थोड़ा सा, चलो मैं इसको, मैंने उस, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के समझने में ये ऐसे भी तरीके से सेंटेंस आ गया। मैं उसे बता चुका हूं, क्योंकि एक्चुअल में इसके कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल पास्ट की तरह लगते हैं, ठीक है। तो मैं उसे बता चुका हूं, वेरी गुड, मैं उसे बता चुका हूं। आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव टोल्ड हिम, वेरी गुड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम, ये भी चलेगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम, आई हैव टोल्ड हिम भी चलेगा, वेरी गुड, मैं उसे बता चुका हूँ, ठीक है। कहते हैं ना अपन, भाई मैं बता चुका हूँ उसको, है ना, दो बार मैंने आंसर बता दिया है, मैं दो बार उसको आंसर बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसको तो याद ही नहीं होता, ठीक है। तो आई हैव, आई हैव टोल्ड हिम, वेरी गुड, गुड एफर्ट्स। बहुत बढ़िया, बाकी के बच्चे भी पार्टिसिपेट कीजिए फास्टली। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस और बनाते हैं। मैं फॉर्म भर चुका हूं, मैं फॉर्म भर चुका हूं, है? आप अपने एग्जाम का फॉर्म भर चुके हो, तो आप अगर किसी को कहो कि भाई मैं फॉर्म भर चुका हूं, मैं फॉर्म भर चुका हूं, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं फॉर्म भर चुका हूं, फॉर्म भरने को क्या बोलते हैं, फिल, तो इसकी थर्ड फॉर्म है ना। Yes, very good. I have filled my form. Very good. My form, form, whatever. ठीक है? I have filled my form. मैं अपना form भर चुका हूँ. मैं form भर चुका हूँ या मैं अपना form भर चुका हूँ. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया, चलिए एक प्रैक्टिस और करते हैं। मैं उसे कॉल कर चुका हूं, ठीक है, आप कह रहे हैं मैं उसे कॉल कर चुका हूं, चलिए बनाइए फास्टली बनाइए, मैं उसे कॉल कर चुका हूं, वेरी गुड। I have called him, ठीक है, चलिए सर हमें सर
सर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा चुके हैं, सर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा चुके हैं, बनाइए इसको। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए, जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो देखिए चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, सो हैव योर पार्टिसिपेशन मस्ट। सर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा चुके हैं, वेरी गुड। यहां ध्यान रखिएगा हैज आएगा या हैव आएगा, है ना, यहां थोड़ा सा क्लियर। ठीक है सर हैव, देखो देखो अब आप ना देखो सर क्या सिंगुलर है ना, सर सिंगुलर है, मैंने क्या कहा था ही शी इट नेम, ये क्या सिंगुलर है, ठीक है ना। सिंगुलर में क्या आएगा, अपना 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 सेंटेंसेस को चेक करो। यस वेरी गुड, क्या आएगा, हैज आएगा, क्लियर। सर हैज टॉट अस प्रेजेंट टेंस, है ना, या प्रेजेंट सिंपल टेंस, वेरी गुड, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, तो आपको हैज या हैव में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इन दो जगह आपको क्या करना है, केयरफुल रहना है कि कहां हैज लगेगा और कहां पर हैव लगेगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एकदम क्लियर कट सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसमें नोट आपको कर दिया है, लिख दिया है, आप चाहे दूसरे एज इट इज अपने नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ओके, ऐसे कैसे आप इसको नोट कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हिंदी एग्जांपल्स क्या है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या ये ही, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये ही, है ना, मैंने ऐसा, है ना, हमने ऐसा किया, हमने खाना खाया, ये पास्ट जैसा लगता है, ओके, पास्ट जैसा लगता है, आपको थोड़ा सा इसको अपने उससे समझना पड़ेगा, है ना, आइडियाज। सो फाइनली क्या है, चुका है या लिया है, ये दो वर्ड याद रखिए, है ना, मैंने खाना खा लिया है और मैं खाना खा चुका हूं, इसका मतलब ये दोनों क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज हैव लगेगा, हैज सिंगुलर के साथ लगेगा, ही शी इट और नेम सिंगुलर होते हैं, हैव प्लूरल के साथ लगेगा, आई वी यू दे और मोर देन वन पर्सन, ये सारे प्लूरल होते हैं, इनके साथ ये लगेगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, अगर आपको ये सिंपल वाला फॉर्मेट क्लियर हो गया तो फटाफट मुझे आप जो है वो चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए, फास्टली टाइप यस इन चैट बॉक्स इफ द सिनेरियो इज क्लियर टिल हियर। ओके वंडरफुल, वेरी गुड, जो भी बच्चे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे जो आपके चैप्टर्स हैं वो आप तक पहुंचते रहे। ओके, आप चाहे तो इसे अपने किसी नियर डियर को शेयर कर दिया करो, लो यार किसी मामा बुआ के लड़के को चलो आओ पढ़ो हमारी तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट टेंसेस की क्लासेस चलती रहती है। ओके चलिए, तो ये तो कौन सा हो गया, ये तो हो गया सिंपल वाला फॉर्मेट। ठीक है, आई होप आपको सिंपल फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए दोबारा देखते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या हुआ आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें सिंपल जो सेंटेंसेस बनेंगे वो आपने बनाने सीखे। ठीक है चलिए, अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनेंगे, नोट कहां लगेगा, नोट कहां लगेगा, सब्जेक्ट हैज हैव, हैज हैव के बाद में यहां पर क्या लगेगा, नोट लगेगा, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले क्या लगेगा, नोट लगेगा, सब्जेक्ट हैज हैव नोट प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। है ना त्यागी बड़ी फास्ट फास्ट सीख रहा है, कुछ ज्यादा तेज सीख रहा है त्यागी, सो क्लैप फॉर द रविश त्यागी। ओके चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं हम,
नेगेटिव का तैयार हो आप सभी बच्चे. ओके ग्रेट. तो सेंटेंस बनाते हैं. देखिए ये कैसे आएगा, मैंने खाना, देखिए दो तरीके से आएगा, मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया है, नहीं खाया है, या ये दूसरा भी दूसरा किस तरीके से बनेगा, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, ठीक है. ये दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो दोनों में से सेंटेंस किसी भी तरीके का आ सकता है. मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है, या मैं खाना नहीं खा चुका हूं. आप सिर्फ इस तरीके के नीचे वाले सेंटेंसेस की उम्मीद ही ना कीजिएगा कि नहीं खा चुका हूं आएगा, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, मैं खाना नहीं खा चुका हूं की जगह हम क्या बोलना प्रेफर करते हैं, हम बोलना प्रेफर करते हैं फर्स्ट वाला, मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि कोई बोले कि खाना खा लिया, तो आप क्या कहोगे, नहीं मैंने खाना नहीं खाया है ना. तो कैसे बनेगा, आई हैव नॉट ईटन. ओके वेरी गुड, बनाइए. वेरी गुड. तो समझ में आ गया नेगेटिव बनाना, मैंने खाना नहीं खाया है या मैं खाना नहीं खा चुका हूं, ठीक है, दोनों ही इक्वल तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, और इन दोनों ही सेंटेंसेस को आप जो है वो एक ही तरीके से बनाओगे, इनका मीनिंग एक ही होता है. ग्रेट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल पार्टिसिपेशन, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सीख रहे हो आप सभी बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन. ठीक है, तो सेंटेंसेस का थोड़ा सा हम यहाँ पे नेचर समझेंगे, ठीक है. जैसे अब देखिए एक सेंटेंस होता है जो बहुत कॉमनली बोला जाता है, कॉमनली ध्यान से समझिएगा, ठीक है. जैसे मैंने उसे नहीं देखा है. अब इसका दूसरा कैसे बनेगा, मैं उसे नहीं देख चुका हूं, या मैंने उसे नहीं देखा है. आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा यहां पर आपको अपनी बुद्धि से हल्का सा टेक्निकल होकर समझना पड़ेगा. मैंने उसे नहीं, आई हैव नॉट सीन हिम, वेरी गुड, है ना, वंडरफुल, ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा है या मैं उसे नहीं देख चुका हूं. लेकिन इस तरीके के सेंटेंसेस कॉमन बोले नहीं जाते कि मैं उसे नहीं देख चुका हूं, है ना, ऐसे सेंटेंसेस बोलने में नहीं आते मैं उसे चुका हूं. तो बोलने में किस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे, मैंने उसे नहीं देखा है, ठीक है. तो आप इसे पास्ट में भी समझ सकते हो, लेकिन ये आपके थ्यू आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरीके से समझ रहे हो, ठीक है. ओके क्लियर, वंडरफुल, वेरी गुड, आई हैव नॉट सीन, ग्रेट प्रिया कपूर, है ना, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है ना. तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे, आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा. हम ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. ये नेगेटिव हो गया, ठीक है. अच्छा अभी ना इसका इंटरोगेटिव बनाएं, बताओ आप लोग बताइएगा, स्ट्रक्चर लिख के बताइएगा मुझे इंटरोगेटिव का, क्या मैंने नहीं देखा है, ठीक है, ये क्या है, इंटरोगेटिव है, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक है ना. ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, डायरेक्ट अपन यही पे आ गए हैं ना. चलिए इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं ना, चलो बनाते हैं, छोड़ो क्या छोड़ना है ना, मुझे पता है सब लोग इंटेलिजेंट हो. हैव आई नॉट सीन हिम, वेरी गुड, ठीक है ना, क्या हुआ, हैव आई, ठीक है, नॉट सीन हिम, वेरी गुड. स्ट्रक्चर लिख के बताइएगा, वेरी गुड रविश तैगी, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, ठीक है ना. ये कहां आ जाएगा उठ करके, ये यहां आ जाएगा, ठीक है ना, हैज हैव प्लस नॉट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा,
तो बहुत अच्छा, हैव आई नॉट सीन हिम, बहुत बढ़िया, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका हम लोग जो है वो इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं, क्योंकि हम इस पूरी बात दौड़ में इसका इंटरोगेटिव देखना भूल गए थे, ठीक है ना। जैसे आप किसी से ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछते हो, क्या तुम होमवर्क कर चुके हो, या इसमें ये भी आ सकता है क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, क्या तुम होमवर्क कर चुके हो, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से, है ना, सिर्फ हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, है ना। देखो कितना प्यारा वर्ड बोलना सीखा ना आपने, कितना वंडरफुल वर्ड बोलना सीखा ना। अब है ना जब आप पूछो ना तो किसी से स्कूल में आप ये नहीं पूछोगे, अरे तूने होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, ठीक है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, अरे पूछो ना, इंग्लिश में बात करो ना, कितना मजा आता है, सबका ड्रीम होता है कि हम इंग्लिश बोलना सीखे, आपको सिखा रहे हैं आप सीखते ही नहीं हो, स्कूल में जाने के बाद फिर वही है ना हिंदी मारवाड़ी। तो क्या करना है, हैज हैव से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर दोगे। तो आई होप कि आपको जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सही या गलत, क्लियर हुआ। अगर आपको ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ तो आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में जो है यस लिख करके बताइए। ओके, बहुत बढ़िया, कुछ लोग तो इतने एक्साइटेड हैं कि यस की जगह यप ही लिख दिए, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अपना फेवरेट सेंटेंस बनाएं, जो अब तक आज अपन ने नहीं बनाया, ठीक है। क्या तुम पास्ता खा चुकी हो, है ना। देखो पास्ता का सेंटेंस तो भाई अपन हर क्लास में बनाएंगे, है ना, और वो भी स्पेशली व्हाइट पास्ता का। तो क्या तुम पास्ता खा चुके हो, वेरी गुड, क्या तुम पास्ता खा चुके हो, हैव यू, ठीक है, हैव यू, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, Have you eaten pasta? Have you eaten pasta? ठीक है, क्या तुम पास्ता खा चुके हो? Very good. तो जिस बच्चे ने सच में पास्ता खाया है, मुझे नहीं लगता किसी ने पास्ता खाया होगा, ठीक है ना। तो हम क्या सोशल मीडिया पे झूठ बोल बोलते हैं, आज तो हमारे यहाँ पार्टी थी, हमने हमारे यहाँ पास्ता बनाया और हमने खाई बैगन की सब्जी है ना, लेकिन क्या करें, दोस्तों के सामने इमेज रखनी है तो हम उसको बढ़िया से स्नैपचैट पर उसकी अच्छी फोटो डालते हैं, है ना। सो हैव यू ईटन पास्ता, क्या तुम पास्ता खा चुके हो, ठीक है ना। अच्छा इसका बनाओ, चलिए फटाक से बनाइए, मैं पास्ता खा चुका हूं और मैंने पास्ता नहीं खाया है, ये दो सेंटेंस है, ठीक है, नहीं खाया है मतलब नहीं खा चुका हूं, ठीक है। तो मैं पास्ता खा चुका हूं और मैंने पास्ता नहीं खाया है, ठीक है, इन दोनों को बनाइए फटाफट से। I have not eaten pasta, very good, मैं पास्ता नहीं खा चुका हूं, गया हो तो नेगेटिव तो गया, ठीक है। अब हम कहां आ गए, मैं पास्ता खा चुका हूं और मैंने पास्ता नहीं खाया है, ठीक है, वेरी गुड, आई हैव नॉट ईटन पास्ता, आई हैव ईटन पास्ता, वेरी गुड, ठीक है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर हुआ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इसके रूल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम 10 मिनट की एक्सरसाइज ओवर करते हैं, ठीक है, मैं इसे इरेज कर दूं, ये आप सबको क्लियर हो गया,
तो मुझे रिप्लाई कीजिए।